नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है 10 शहरों की 10 बड़ी खबरों की। और सबसे पहले बात भारत चीन सीमा की, जहां भारत चीन सीमा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी लद्दाख गलवान घाटी के पास जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय वायुसेना अध्यक्ष बीएस भदौरिया भी लद्दाख जा चुके हैं। इस बीच खबर आ रही है कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए चौतरफा हमला कर दिया है, जिससे चीन बौखला चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर आज मास्को के लिए रवाना हो गए, जहां वे जर्मनी के नाजीवाद पर द्वितीय विश्व युद्ध के 75वीं विजय दिवस के परेड में भाग लेंगे। इस दौरान वे भारत रूस रक्षा और सामरिक विषय पर भी बातचीत करेंगे। खबर है कि चीन के मामले को लेकर भी रूस के समर्थन को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि चीन को दुनिया में अलग थलग करना भी भारतीय रणनीति का हिस्सा है। बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ राहत भरी खबरें दी है। बताया जा रहा है कि घर पर इलाज करवा रहे मरीजों को सरकार ऑक्सी प्लस मीटर देने वाली है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब सीरियस कोरोना के मरीज भी काफी कम हैं। बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा हैं, जो घर पर ही रहकर ठीक हो रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने तिहाड़ जेल से एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो जेल से ही बिल्डरों और व्यापारियों से पैसे की मांग कर रहा था और अपने आदमियों को भुगतान न करने पर निशाना बनाने की धमकी दिया था। गुजरात के कच्छ के मांडवी में भारी बारिश की वजह से घरों में पानी घुस गया, जिससे प्रशासन की पोल खुल गई। मांडवी गुजरात के गिने चुने समुद्र तटीय क्षेत्र में से एक है। कहते हैं कि गुजरात में मांडवी की यात्रा कच्छ यात्रा किए बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसे में जब मांडवी का ये हाल है तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 सवासिनियों को कोरोना हो गया है। इनमें से 7 सवासिन गर्भवती है। प्रशासन ने बालिका गृह को सील कर दिया है और इनके हिस्ट्री की तलाश की जा रही है। इस सवासिनियों के गृह में 12 वर्ष से 34 वर्ष तक की महिलाएं रहती है। विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू में भर्ती हैं और इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी इलाज करते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इन्हें जल्दी से रिकवरी की। मध्य प्रदेश सरकार ने ब्रज वाहन को कैमरे से लैस कर दिया है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना को लाइव कंट्रोल रूम में देखा जा सकेगा और उससे निपटने के लिए पुलिस को तैनात किया जा सकेगा। जो यहाँ इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं, PTZ कैमरा जो लगा हुआ, इसकी 1 किलोमीटर की रेंज है। मतलब 1 किलोमीटर तक ये आराम से विजिबल और अच्छी तरीके से ये देख सकता है। दूसरा खासियत इसके अंदर यह है कि वरिष्ठ अधिकारी जब भी चाहें इसको कंट्रोल रूम से ही ऑपरेट कर सकते हो। ये अपना वज्र वाहन है जो विभिन्न परिस्थितियों में पुलिस के काम आता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि वहाँ जाता था लेकिन क्या परिस्थितियाँ बनी उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसी के संदर्भ में पुलिस मुख्यालय से और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के प्रेरणा से इसमें PTZ कैमरे और फिक्स कैमरे ये इंस्टॉल किए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत के पुराना कस्बा इलाके में एक सांड ने लोगों को परेशान कर रखा है, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद नगरपालिका ने पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। ये कारण ये था कि हमें सूचना मिली अधिशासी अधिकारी से कि बड़े बाजार के अंदर एक सांड पागल हो गया, जो कि लोगों को चोटिल पहुंचा रहा है और उसे तुरंत तत्काल पकड़ा जाए, जिसके कारण बिना कुछ सुविधाओं के हमने सांड को अपने बस में कर लिया है और अब इसे पशु विभाग में छोड़ा जा रहा है। यह सांड
दो तीन रोज से पागल अवस्था में था, लोगों को चलते फिरते टक्कर मार रहा था। कम से कम 10-12 व्यापारी सांड ने घायल कर दिए, जिससे उन्हें फ्रैक्चर तक हो गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन के नगरपालिका के सहायक अहद अली खान ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिससे शासन को लाखों रुपए का चूना लगा। नगरपालिका के अधिकारी जानते हुए भी मुखदर्शक बने हुए बैठे थे। 6 महीने 2 महीने हो गए जब बना था रोड, इसके मतलब यह है कि कोई उसमें ना सीमेंट सही से मिली, ना रेता सही से मिला, कुछ भी नहीं मिला। मतलब यह है कि टूट रही है पूरा, गड़ी गड़ी जिंगा जिंगा से टूट फूट रहा। वो कहते हैं नगरपालिका वालों तो वो सुनते नहीं है, अध्यक्ष से भी बोला उनने भी नहीं सुना, कोई सुनता ही नहीं हमारी। 1.5-2 महीने पहले बनी थी साहब, 1.5-2 महीने पहले बनाई गई थी ये सड़क को लिए, लेकिन सड़क का निर्माण सही नहीं हुआ है। मैं इसकी पूरी जाँच कराता हूँ और जाँच में यदि गड़बड़ी पाई जाती है और जो भी दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के भलेवा गांव में प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां एक शादी में बार वालों ने ठुमके लगाकर जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में नौटंकी मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज को सूचना मिली थी कि भलेवा गाँव में झल्लर नाम का व्यक्ति बिना अनुमति के अपने घर पर लवकुश डीजे वाले के साथ मिलकर के नौटंकी का कार्यक्रम करा रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा इस तरह से अवैधानिक कृत्य करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिला प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद लकवा ग्रसित महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया, जिसके बाद उसके 75 वर्षीय बुजुर्ग पति ने साइकिल पर उसे सवार करके 80 किलोमीटर दूर गांव के लिए निकल पड़े। हालांकि एक समाज सेवी ने जब देखा तो उसने उस बुजुर्ग की सहायता के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई। तो बहुत दुख की बात है, मेरे संज्ञान में आया है, मैं देख रही हूँ किसने इसको किया है और जिसकी गलती होगी उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो इसको भी ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर के बस चालक और परिचालक बेरोजगारी से तंग आकर अब सब्जी बेचने को मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है कि प्रशासन 50% यात्रियों को ही ले जाने की अनुमति दे रही है, जिसके कारण बस मालिक अब अपने गाड़ी को सड़क पर नहीं उतारना चाहते। 22-23 मार्च से लॉकडाउन हुआ, जब से हमारे मतलब चालक प्रचार संघ जो भी मतलब जितने भाई भाई लोग हैं चालक प्रचालक, इनको मतलब कोई प्रकार की मदद नहीं की जा रही है, ना कि जनप्रतिनिधि द्वारा ना सरकार द्वारा। कोई भी हम अपन ना पूछ रहा है, ना मोटर मालिक आ रहा है हमारे पास पूछने के लिए कि आप कैसे हैं क्या है, और आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है हमको। बसें गवर्नमेंट ने बस चलाने का तो बोली है, पर क्या है कि अभी टैक्स माफ़ नहीं करी है। हमारी हमारी मांगे हैं एसोसिएशन की कि टैक्स माफ़ किया जाए और बीमा को एक्सटेंशन किया जाए और जो आई फार्म में गाड़ी खड़ी होती हैं उनकी लिमिट खत्म की जाए। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।